अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को। इससे पहले हमने लो लेवल लैंग्वेजेस को कवर कर लिया है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ने से पहले पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बता दें, या फिर लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के डिफरेंस के बारे में बता दें, या फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्या जानते हैं, इस तरह से वो इंग्लिश में पूछ सकता है आपसे। तो आपने यही लिखना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी लैंग्वेज जिनमें प्रोग्राम लिखे जाए उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब प्रोग्राम में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है और वो इंस्ट्रक्शन कुछ वर्ड सिंबल या कोड पर मुश्तमिल होती है। अब सिर्फ कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होती है। कुछ साइंटिफिक प्रोग्राम बनाने के लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे, यानी अगर हमने साइंटिफिक प्रोग्राम बनाना है तो उस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमने बिजनेस बनाना है तो कोई और लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे। ये हम आज ही पढ़ेंगे जब हम आगे हाई लेवल लैंग्वेज की टाइप पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमने देखा कि लो लेवल लैंग्वेज है यह ह्यूमन लैंग्वेजेस से दूर है, यानी हम जो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रोग्राम नहीं लिखा जाएगा बल्कि बाइनरी फॉर्म में होगा, 0-1 की फॉर्म में, जिसकी वजह से कंप्यूटर इसे आसानी से अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन प्रोग्रामर को डीप नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। उसके बाद हमने कहा कि लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइपें, एक है मशीन एक है असेंबली। मशीन लैंग्वेज की बात की तो इसमें सारे का सारा जो हमने प्रोग्राम लिखना है वो 0-1-0-1 यानी बाइनरी फॉर्म में होगा, कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेगा, हमें कोई भी उसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि एज अ प्रोग्राम हमारे लिए ये डिफिकल्ट होगा इसे अंडरस्टैंड करना, इसे मॉडिफाई करना। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज को देखा जिसमें हमने कहा कि इसमें सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सब का यूज करेंगे, ये एक स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से, हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। उसके बाद हमने आज देखना है हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये लैंग्वेजेस में जो हम कोड लिखते हैं उसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड यूज कर रहे होते हैं, यानी इंग्लिश में वर्ड होते हैं उनका पर्पज होता है जिनको हम यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज है, यानी इंसानों की जुबान जो है ना उस जुबान के ये करीब है, उससे मिलती जुलती हम इसमें कोड लिख रहे होते हैं। इसकी वजह से इसे अंडरस्टैंड करना आसान रह जाता है और इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है वो इंग्लिश लाइक वर्ड होते हैं, जैसे कि इनपुट है प्रिंट है, ये दोनों इंग्लिश में है लेकिन इनको पढ़ के हमें समझ आ रही है यहाँ पे कोई इनपुट लेनी है, यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, जिसकी वजह से हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ईजी रहता है। या हम जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे होंगे उसके अंदर हम जो कोड लिख रहे होंगे उधर हम इनपुट प्रिंट इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारे लिए कोड लिखना भी आसान हो जाता है, अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाता है, उसे मॉडिफाई करना भी आसान हो जाता है। अब जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो बहुत ही ज्यादा इजी टू राइट हो जाता है और मॉडिफाई करना हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज और फर्दर डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, आपने ये कैटेगरीज लाजमी से याद रखनी है। अगर तो आपको एज अ नोट क्वेश्चन आता है यानी ए पार्ट बी पार्ट, कि भाई ए पार्ट में आगे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस बताएं, तो वहां पर आपने इनमें डिफरेंस अच्छा सा बता के फिर आपने इनके सिर्फ टाइप के नाम बता देने। लेकिन एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आगे आपने टाइप में भी जाना है, इनको डिफाइन करना, आगे इनकी एग्जाम्पल्स के नाम बता देने, अगर टाइम हो तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, लेकिन मेन पॉइंट को आपने अच्छे से कवर करना है। उसके बाद यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर लैंग्वेजेस के बारे में। प्रोसीजर लैंग्वेजेस को थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, ये आपका एमसीक्यूज है। अब इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर दी गई कि कंप्यूटर ने ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो इसका मतलब कि इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाएगा उसमें जो इंस्ट्रक्शन का सेट होगा वो डिफाइन कर दिया जाएगा, कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन इन द सेम सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन, यानी कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन को जो आपने इंस्ट्रक्शन लिख दिए एक प्रोग्राम के अंदर उनको वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जिस तरह से आपने कहा है, जिस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा है उसी स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करता जाएगा। अगर आपने किसी स्टेप में लिखा है कि अब तुम तीसरे स्टेप पे चले जाओ वापस फ्लो को, तो वो दोबारा फिर कंप्यूटर तीसरे पे जाकर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे, ड्राई रन करके देख रहे होंगे, लॉजिक बना रहे होंगे, वहां पर ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल इतना समझे कि कंप्यूटर वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि कंप्यूटर को कहा गया है। ईच इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, इसमें कंप्यूटर को यह बताया जाता है कि तुमने क्या करना है और ये भी बताया जाता है कि कैसे करना है। सम मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर लैंग्वेज आर, अब उन्होंने ये एग्जांपल्स दे रखी हैं इन लैंग्वेजेस की जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक वर्ड कोड लिखा जाता है जिसकी वजह से उसे राइट करना, उसे मॉडिफाई करना आसान होता है। उसके टाइप में से एक प्रोसीजर लैंग्वेज है जिसमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इसे कहा जाता है, और इसमें जिस स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी है उसी तरह कंप्यूटर उन्हें एग्जीक्यूट करता है।
करेगा। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईच इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर, अब हर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को ये भी बताएगी कि तुमने क्या करना है और कैसे करना है, यानी ये भी बताएगी कि अगर एक इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि इनपुट लेनी है तो ये भी बताएगी कि कैसे लेनी है। ठीक है, तो सम पॉपुलर लैंग्वेजेस ये है, अब हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, बल्कि पढ़ लेते हैं, रिवाइज तो अगली वीडियो में करेंगे ना, आज तो हमारी पहली वीडियो है इस पे। अब बात करें फार्मूला ट्रांसलेशन की, तो ये क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज की आगे टाइम में प्रोसीजर लैंग्वेज आ रही है, यानी इसमें भी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो कंप्यूटर को बताएंगी कि क्या करना है और कैसे करना है। फार्मूला ट्रांसलेशन है ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और साइंटिफिक यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी अगर हमने इंजीनियरिंग रिलेटेड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाने हैं या साइंटिफिक रिलेटेड बनाने हैं तो फिर हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला ट्रांसलेशन का। ये आपका एग्जाम्पल एमसीक्यूज है कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और साइंटिफिक के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद है बेसिक यानी बिगिनर आर पर्पस सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी समझ आ रही है कि बिगिनर के लिए होगा, इट वॉज क्रिएटेड इन लेट 1960, ये आपका एमसीक्यूज है। ये स्टूडेंट के लिए बनाई गई है कि स्टूडेंट इसके जरिए अपने जो कोड जनरेट है वो स्टार्ट करे, सिंपल प्रॉब्लम का वो सोल्व करे, इजी टू अंडरस्टैंड है और ज्यादातर एजुकेशन पर्पस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस के लिए एप्लीकेशन डिजाइन की गई है, सॉरी लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो प्रोसीजर लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। अगर आपने बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोड लिखेंगे, इसमें प्रोग्राम लिखेंगे, तो नाम से ही जाहिर है कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि बिजनेस के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, ये अर्ली 1960 है जबकि बेसिक लेट 1960 है। अब इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो लेंथी होता है, यानी कोड ज्यादा लिखा जाता है इसमें, लेकिन ये कोड इजी टू रीड राइट और मेंटेन करना होता है, ये इजी रहता है कोड को लिखना चाहे लेंथ ही है। उसके बाद पास्कल, ये बहुत साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन, ये भी आपका एमसीक्यूज है कि साइंटिफिक और बिजनेस दोनों एप्लीकेशन को अगर हमने डेवलप करना हो तो हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, तो हम पास्कल का करेंगे। यहाँ पर उसने बताया कि इसका नाम एक मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया है, मैथमेटिशियन के नाम पर। उसके बाद सी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका, वो पूछ सकता है कि सी क्या है, तो सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि प्रोसीजर लैंग्वेज की कैटेगरी में आ रही है। उसके बाद हम कहेंगे कि ये डेवलप की थी डेनिस रिचेज ने कब, एडीटी बेल लैबोरेटरी में 1972, ये आपका एमसीक्यूज है, ये अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज कब डेवलप की गई, किसने डेवलप की, इस तरह से। ये यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को रन करता है, तो इसका ही ये पार्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिडल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे मिडल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। आपका एमसीक्यूज है, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं इनकी, जो हमने एग्जाम्पल्स देखी है ना प्रोसीजर लैंग्वेज की, इसमें एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपने इसको काट हरगिज नहीं करना, लाजमी से आपने इसे पढ़ना है। तो सी लैंग्वेज एक मिडल लेवल लैंग्वेज है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, किसकी जी, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम जो कि यूजर के लिए लिखे जाते हैं, यूजर के लिए डिवेल्प किए जाते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, तो गूगल आप इस्तेमाल करें तो वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यूट्यूब एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फेसबुक एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम रन करता है और फिर उसके बाद उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होते हैं, ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सी लैंग्वेज में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से इसे मिडल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, और ये बनाई गई थी एज अ पार्ट ऑफ यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अब इसमें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लेते हैं। मैं कोशिश कर रही हूं कि हर टॉपिक को अच्छे से आपको समझाऊं, अगर आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे शेयर करें लाजमी से, और अगर कहीं भी आप कंफ्यूज हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा कि यह ह्यूमन लैंग्वेज के नजदीक है, यानी इसका यह मतलब नहीं कि ह्यूमन के नजदीक है, इसका मतलब है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज बोलते हैं समझते हैं उसके नजदीक है, जिसकी वजह से वो इसे भी इजिली समझ लेते हैं। जैसे कि एज अ ह्यूमन हम इंग्लिश समझ लेते हैं, तो इसमें भी इंग्लिश लाइक वर्ड होते हैं, इसमें कोई 01 के फॉर्म में कोड नहीं लिखना होता। उसके बाद हमने कहा कि इसमें आगे तीन टाइप है, जिसमें प्रोसीजर लैंग्वेज को पढ़ा, यानी इसमें इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, इसमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन को ऐसे ही एग्जीक्यूट करता है जैसे कि
कहा गया है। उसके बाद फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, जो कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और साइंटिफिक यूज के लिए इस्तेमाल होती है, बिगिनर के लिए बेसिक यूज होती है, एजुकेशन पर्पज के लिए स्टूडेंट लर्न करने के लिए, कोडिंग को लर्न करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं इस लैंग्वेज का। उसके बाद ही है कॉमन बिजनेस एंट्री लैंग्वेज, ये हमारे बिजनेस के लिए यूज हो रही है, पास्कल है, ये हमारी बिजनेस और साइंटिफिक दोनों एप्लीकेशन के लिए यूज हो रही है। सी है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।